हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज नॉट शोन प्रॉब्लम के बारे में। तो यार, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यार हमारी इमेज दिख नहीं रही, इमेज शो नहीं हो रही। जब वो इमेज टैग के अंदर कोई इमेज का अपना पाथ लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है। तो यार ये बहुत से लोगों के साथ दिक्कत आ रही, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया। तो बेसिकली मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ इस इमेज को शो करने के, और सही तरीका क्या है इमेज को दिखाने का, तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आ चुके हैं VS Code एडिटर पर, और सिंपली मैं स्ट्रक्चर लिख दूंगा HTML का, और बॉडी टैग के अंदर मैं एक इमेज टैग लूँगा, और इस इमेज टैग में मैं सोर्स है जो हमारा SRC। इसमें आप जो देख रहे पनीर PENER, इस पनीर PENER पनीर .jpeg, इस बेसिकली जो इमेज का नेम का पाथ है मैं वो लिख रहा हूँ, है ना। देखिए आप भी कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए आउटपुट हम देखते हैं, और मुझे यहाँ पर अल्ट ऐसा करना होगा। सेव किया, देखिए हम आउटपुट देखते हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके से ऐसा आ रहा है, कुछ आइकन बना हुआ कि भाई इमेज का एरर आ रहा है। बेसिकली ये कहने का हमारा मतलब है। तो आपको क्या करना है इस तरीके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ गूगल क्रोम करना है आपको, है ना। क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए, राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम, और इस जो आपको लिंक दिख रही है ना, इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और ये पूरा हटा देना है, और इसको हटाने के बाद आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना। अब हम सेव करेंगे और हम आउटपुट पर जाके देखेंगे। हम सेव करेंगे तो देखिए हमने आउटपुट पर जाया, और मैं थोड़ी साइज़ कम कर दे दूँ तो आप देख सकते हो हमारी इमेज शो हो गई। एक तो ये तरीका है कि आप गूगल क्रोम पे उसको ओपन करें, उसके लिंक को आप उसके पूरे पार्ट को पेस्ट कर दें। अगर आपके केस में ये भी वर्क नहीं करता, ये तरीका भी काम नहीं करता, तो आपको क्या करना है, इसे हटा देना है। इसको हम हटा देंगे, और मैं अब आपको सेकंड तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इमेज को शो करा सकते हो। तो आपने पहला तरीका देख लिया, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके। तो हमें क्या करना है, इस जो आप पनीर को देख रहे हैं, पनीर वाली इमेज को, इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और आपने जो भी फोल्डर बनाया है जिसमें आप काम कर रहे हैं बेसिकली, तो आप देख सकते हो इमेज शो, मैंने इस फोल्डर को बनाया है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और इसे पेस्ट कर दूंगा। जो मैंने इमेज को कॉपी किया है पेस्ट कर दूंगा, तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं VS Code एडिटर पर आऊँगा, और आप देख सकते हो मुझे पनीर .jpeg बेसिकली यहाँ पर वो पाथ दिख रहा है, और आप देख सकते हो मुझे इमेज भी यहाँ पर दिख रही है क्योंकि मैं उसी फोल्डर में हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली पनीर .jpg, और देखिए मैंने सिर्फ पनीर लिखा, पूरा मुझे उसका पाथ आ गया, उसका पूरा मुझे पाथ आ गया। तो यही उसकी VS Code की फंक्शनलिटी है। तो ये देखिए मैंने इसको क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। सेव किया और रिफ़्रेश किया, तो देखिए मुझे इमेज आ गई। तो यार ये दो तरीके थे जिसके आप इमेज शो कर सकते थे HTML में। एक तो आपको ओपन विद गूगल क्रोम करके लिंक को पेस्ट करना है, और दूसरा आप जिस भी फोल्डर में काम कर रहे हो वहाँ पर आपको इमेज को पेस्ट कर देना है। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।